रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। व्यूअर्स, दिन भर में शदीद गर्मी थी तो अब शाम का टाइम हो गया, हमने कहा है कि हम बाहर निकलें, थोड़ी वॉक कर लें, साथ में फसलों का राउंड भी ले लें। तो अब हम खेतों में बैठे हुए हैं, तो ये देखें मेरे पीछे जो है यहाँ पर हल चला दिया उन्होंने, और यहाँ पे उन्होंने ना गोबर बिछा दिया है। तो ये जो गोबर है ये खाद के तौर पर यूज़ होता है, ये फसलों में जैसे खाद हम यूज़ करते हैं इसी तरह ये लोग गोबर यूज़ करते हैं। इसका भी बड़ा फ़ायदा होता है, फसल अच्छी होती है, ज़मीन मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो ये उन्होंने गोबर फैलाया हुआ है, इधर फसल बोनी है अभी तक, कपास की फसल बोएंगे यहाँ पर, और यहाँ पे इन्होंने चारा लगाया हुआ है। ये है ज्वार है, ये ज्वार लगाई है जो जो हमारी भैंसों वगैरह के खाने के लिए, मवेशियों के खाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो शाम का मौसम है, काफ़ी सुहाना हो रहा है, मज़ा आ रहा है, हवा हल्की हल्की सी चल रही है, ज़्यादा तो नहीं चल रही, बहरहाल मौसम फिर भी ठीक है। हम आगे चलते हैं, आपको और भी फसल दिखाते हैं और यहाँ पे किस किस चीज़ की फसल लगाई हुई है हमने। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ खड़े बेल के आइकन को दबा दें। पौधों के अंदर से आओ मेंढक, पौधों के अंदर से आओ, पौधों के अंदर से आओ। ऐसे आओ मेंढक, देखो कैसे बैठे हुए।